तो दोस्तों अगर आप भी जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट यानी दोस्तों बंद करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एकदम करेक्ट वीडियो में आए हो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम आईडी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट या फिर दोस्तों डिलीट किस तरीके से कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उसको वापस कैसे डीएक्टिवेट करना है, ये नहीं बताने वाला हूँ कि परमानेंट डिलीट किस तरीके से करना है, उसका एक अलग प्रोसेस है। बट यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि आपको कुछ टाइम के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरीके से डीएक्टिवेट या फिर उसको डिलीट करना है। तो यार वीडियो में एंड तक बने रहना, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज होने वाली है। तो अगर उस सबको वीडियो पसंद है तो वीडियो करके लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप जो ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले देखें। चलिए फ्रेंड्स बिना किसी बात करते हैं आज की भाई टैग की शुरुआत। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आ चुका अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, एंड यहाँ पर मैं आप सभी लोग बताता हूँ कि आपको दोस्तों किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम आईडी को जो वो कुछ टाइम के लिए डिलीट या फिर दोस्तों डीएक्टिवेट किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, ये जो है मेरा सेकंड अकाउंट है एंड मैं इसको आप सभी लोगों को डीएक्टिवेट करके दिखाऊंगा कुछ टाइम के लिए। तो डीएक्टिवेट अकाउंट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ऊपर जो थ्री लाइंस मिल रही है राइट कॉर्नर में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स पर करना है क्लिक, सेटिंग्स पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प का, आपको सिंपली हेल्प पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन मिलेगा हेल्प सेंटर का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूँ, यहाँ पर ये इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट है वो आया है। पहले दोस्तों जैसे ही आप हेल्प सेंटर क्लिक करते थे तो यहाँ पर जो इंस्टाग्राम वो आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देता था क्रोम ब्राउजर के अंदर, बट यहाँ पर अभी जो हेल्प सेंटर वो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया है इंस्टाग्राम ने अपडेट के साथ। तो यहाँ पर आपको सिंपली अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली सर्च बार में लिखना पड़ेगा डिलीट। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको सिर्फ बस सिंपली डिलीट लिख देना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ सच मच के ये डिलीट लिख देना है। डिलीट लिख दोगे आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा डिलीट माई अकाउंट का, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर देते हो उसके सामने आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ये वाला डिलीट योर अकाउंट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर जैसे क्लिक कर देते हो उसके बाद आप अगर मान लीजिए आप अपने अकाउंट को अगर परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है। एंड अगर दोस्तों आप कुछ टाइम के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डिलीट योर अकाउंट के नीचे यहाँ पर एक ब्लू कलर का ऑप्शन मिलेगा टेम्पररी डीएक्टिवेट। तो अगर दोस्तों आपको परमानेंट डिलीट करना है तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है। एंड अगर आप दोस्तों कुछ टाइम के लिए आपको करना है तो आपको सिंपली ये जो ब्लू वाली लिंक मिलेगी टेम्पररी डीएक्टिवेट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आओगे, आप यहाँ पर जो परमानेंट जो टेम्पररी अकाउंट डीएक्टिवेशन का जो फॉर्म है आप वहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने का वे आई आर यू डीएक्टिवेट योर अकाउंट, यानी कि दोस्तों इंस्टाग्राम ये पूछ रहा है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हो। तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है क्लिक, एंड यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक कोई सा भी आपको जो है एक जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसकी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट नीड अ ब्रेक। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको डाल देना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड डाल दोगे उसके बाद आपको सिंपली जो टेम्पररी डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली येस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे दोस्तों येस पर क्लिक कर दोगे आपको जो है इंस्टाग्राम अकाउंट का वो यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा जब तक दोस्तों आप इसको दोबारा रीएक्टिवेट नहीं करते, यानी दोस्तों दोबारा वापस नहीं लाते हो। अब यहाँ पर दोस्तों इसको अपने अकाउंट को अगर आप दोस्तों वापस लाना चाहते हो दोबारा तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको जो यूज़र नेम बोला जाएगा आपको सिंपली उस यूज़र नेम को डालना है, जो आपका पासवर्ड था आपको वो पासवर्ड सेम डालना है एंड आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर इजीली वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो अपने इंस्टाग्राम के किसी भी अकाउंट को कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट या फिर दोस्तों मान लीजिए एक तरीके से डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर समझ गए कि आपको किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम को टेम्पररी जो है डीएक्टिवेट किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप जो है इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में नहीं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।